मार्केट के स्प्रिंग रोल तो कई बार खाए हैं, उनसे तो कभी मन भरता ही नहीं है, बट अपने हाथों के स्प्रिंग रोल बनाकर खाने में मजा ही कुछ और है। तो आज क्यों ना हम अपने हाथों से स्प्रिंग रोल बना के खाएं, और विद प्लेटेड लेयर के साथ में। तो मैंने यहाँ बना लिए हैं स्प्रिंग रोल। अरे अरे, स्प्रिंग रोल से तो कभी मन ही नहीं भर सकता। आप स्प्रिंग रोल सब्जियों के अलावा स्वीट कॉर्न या चीज से भी बना सकते हो। मैंने यहाँ सब्जियाँ ऐड की हैं इसमें, मेरी स्टफिंग सब्जियों वाली है। आप चाहे तो स्वीट कॉर्न और चीज भी इसमें भर के अपना मजा और दुगना कर सकते हो। तो कितने क्रिस्पी हैं ये, आपको आवाज आ रही है ना इनकी। तो हमारी टेस्टी टेस्टी स्प्रिंग रोल बिल्कुल बन चुके हैं। मैं आपको इनको कट करके भी दिखा देती हूँ। वही वाह, कितनी टेस्टी और देखने में भी बहुत ही मजेदार लग रहे हैं ये, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी होंगे। हम यहाँ पहले 4 चम्मच मैदा लेंगे, डालूंगी 1 चम्मच दही, मैं डालूंगी इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और स्वाद के अनुसार नमक थोड़ा सा, और इन सबको फिर हम आपस में इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। पहले मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और फिर इसके बाद में थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक डो तैयार कर लूँगी। अब मैंने ये आपस में मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका आटा लगा लूंगी। और इसे अच्छे से गूंथ लूंगी। हमारा आटा लगकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको रेस्ट पे छोड़ दूंगी कुछ टाइम के लिए, मैं और तब तक हम लोग अपना स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ ढककर। हमारा आटा जब तक रेस्ट पर है तब तक हम अपना स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली है, मैं डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। आप कोई भी सब्जी इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं इसमें डाल रही हूँ यहाँ पत्ता गोभी। अगर आपको पत्ता गोभी नहीं पसंद तो आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो। वो नहीं पसंद तो आप इसके अलावा और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हो। विंटर में काफ़ी ऑप्शन होते हैं हमारे पास। यहाँ मैं इसमें थोड़ी सी शिमला मिर्च डालूंगी, ये मैंने पहले से सब कुछ कट करके रखा हुआ है। थोड़ा सा प्याज, ये है 1 गाजर, ये मैंने टमाटर ऐड कर लिया है। आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। और मैंने ये 1 ग्रीन चिली को कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इनको आपस में अच्छे से मिला लेंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ये हल्की ये अपना कलर चेंज कर लें, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, बस हम इतना ही इनको पकाएंगे। ऐड कर लेती हूँ थोड़ा सा नमक, जिससे कि इनका थोड़ा टेस्ट और बढ़ जाए सब्जियों का। मैं पत्ता गोभी थोड़ा पानी छोड़ता है, तो वो थोड़ा सा पानी जब जल जाए, आप गैस का फ्लेम हाई रखें जिससे कि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि हमें ये पकानी नहीं है, बस ये हल्की सी सॉफ्ट भी करनी है हमें इसलिए। तो मैं इसमें चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर या चिली फ्लेक्स कुछ भी ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी ऑरिगानो सीजनिंग, इसे इसमें अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मेयोनीज, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने
में ढकने के बाद में मैं इसको चेक करने के बाद इसको बंद कर दूंगी, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट बन चुका है। 2 मिनट हो गए हैं और हमारी स्टफिंग एकदम रेडी है अपने स्प्रिंग रोल के अंदर जाने के लिए। तो जब तक मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ, इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेती हूँ। इस तरीके से आप इतनी बड़ी लोइयां बना लीजिए। ये थोड़ा सा आटा ढीला हो गया था मुझसे, बट कोई नहीं, आटा लगा के आप आराम से बेल सकते हो उसे। देखिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से मैंने ये अपनी लोई ले ली है और यहाँ पे मैं इस पर आटा डाल के इसको अच्छे से बेल लेती हूँ। इस तरीके से अब यही प्रोसेस मैं अपनी दूसरी में फॉलो करूंगी। मैं इसको यहाँ पे यहाँ साइड में रख देती हूँ और इस पर जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा देती हूँ। मैं उसे ऐसे राउंड राउंड करके इसे भी बेल लेती हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं और आप इसमें सूखा आटा भी ऐड करके इसको बेल सकते हैं। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है मैदे को बेलने में। इस तरीके से इसको बेल लीजिए। इसकी एक छोटी पूड़ी तैयार करनी है हमें बनाकर। ये बन गई है, मैंने यहाँ 2 पूड़ियाँ तैयार कर ली हैं। अब मैं तीसरी पूड़ी भी तैयार कर लेती हूँ। मैं आपको बताती हूँ इससे आगे हमें क्या करना है। हमें यहाँ अपनी एक पूड़ी लेनी है, इसके ऊपर हमें लगाना है रिफाइंड ऑयल इस तरीके से। इसके ऊपर आप सूखा मैदा छिड़क लीजिए इस तरीके से और अपनी एक पूड़ी को उठाकर इसे यहाँ इस तरीके से लगा लीजिए और सेम प्रोसेस फिर से फॉलो करना है हमें। पहले इस पर अच्छे से और उसके बाद में सूखा मैदा इसके ऊपर इस तरीके से डाल देना है। इससे ये आपस में चिपकेंगी नहीं और बहुत जल्दी निकल जाएंगी। अब हम तीसरी पूड़ी को यहाँ रखेंगे और इन्हें इस तरीके से चिपका कर और इन्हें आपस में बेल लेंगे सूखे मैदे की मदद से। मैं यहाँ इनको आपस में तीनों को बेल लेती हूँ और एक पतली रोटी बना के हमें तैयार करनी है। देख सकते हो मैंने अपने चकलन के से भी ज़्यादा बड़ी रोटी बनाकर यहाँ तैयार कर ली है, क्योंकि मुझे यहाँ रोटी पतली बनानी है इसलिए। अब हमारी रोटी बन चुकी है। अब मैं इस रोटी को अपने यहाँ तवे पे हम लोग डाल देंगे। मैंने तवा पहले से गर्म कर लिया था। अब हमें ये रोटी सेकनी है। हमारी रोटी बिल्कुल सिक कर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे और आप देख सकते हो हमारी रोटी बिल्कुल सिक चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपनी रोटी को इस तरीके से आप देख सकते हो लेयर ही बहुत आराम से यूं निकल जाती है। तो हमारी ये एक लेयर हो चुकी है। अब हम दूसरी लेयर निकालेंगे, क्योंकि हमने यहाँ 3 पूड़ियों को आपस में मिल के बेला था इसलिए। तो ये हमारी दूसरी लेयर है। आराम आराम से निकल जाती हैं ये बहुत अच्छे से। और ये हमारे खुद की घर की रोटी एकदम तैयार है स्प्रिंग रोल इसके अंदर भरने के लिए। तो आप मार्केट से ना मंगाकर इस तरीके से आराम से घर पे बना सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल होता है बनाना। तो अब मैं यहाँ हम एक घोल बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने ये थोड़ा सा मैदा ले लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और मुझे इसे घोल बनाना है। थोड़ा सा पानी और डालेंगे और एक अच्छा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे।
इस गोल की मदद हम आगे लेंगे अपनी स्प्रिंग रोल बनाने के लिए। तो स्प्रिंग रोल बनाने से पहले मैं गोल तैयार कर रही हूँ, आप चेक कर लें कि इसमें कोई घुटला ना हो। इस तरीके से अपने गोल को तैयार कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक रोटी ले ली है और हमारी स्टफिंग भी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है भरने के लिए। तो आप यहाँ साइड से लगा दें, स्टफिंग जितनी ज़्यादा होती है रोल उतने ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। और जो हमने घोल बनाकर तैयार किया था, इस घोल को हमें यहाँ साइड में लगाना है इस तरीके से। पतला पतला लगा दीजिए जिससे कि ये चिपक जाए, इसे ज़्यादा दिक्कत ना हो। जब हम इसको गोल गोल घुमाएंगे, रोल बनाएंगे, तो ये आपस में चिपक जाए इस तरीके से। अब मैं इसको उठाकर रोल बनाऊंगी। तो पहले आप ऐसे फोल्ड कर लीजिए और फिर यहाँ पे थोड़ा सा घोल लगा लीजिए, जैसे कि हमें ये साइड में भी इस तरीके से बंद करना है, तो ये यहाँ आपस में चिपक जाए इस तरीके से। मैंने यहाँ घोल नहीं लगाया था, तो यूँ इस तरीके से आप इसको चिपका लीजिए। अब हम इसको घोल बनाते हुए आगे ले जाएंगे और लास्ट में हम इसे इस तरीके से चिपका देंगे। तो कितना सिंपल है रोल बनाना। हमारा रोल इस तरीके से अपनी सांचे में आ चुका है। तो मैं आगे इसी तरीके से अपने सारे रोल तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ लगा लेती हूँ इस घोल को, के बाद में मैं लगाऊंगी स्टफिंग, भर दूंगी इसके अंदर इस तरीके से। और थोड़ा सा आपको यहाँ लगाना होता है, ये हमें बस चिपकाने के लिए इसकी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लेंगे स्टफिंग और स्टफिंग को यहाँ पे इस तरीके से भर देंगे। और इसे हम ऐसे रोल कर देंगे, इसके ऊपर फिर थोड़ा सा घोल लगाएंगे और इसे भी साइड से फोल्ड कर देंगे और यहाँ से भी, और आगे से इस तरीके से करते हुए आगे लेकर जाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा सेकंड रोल बनके तैयार हो चुका है। सारे रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें इन्हें बस फ्राई करना है और उसके बाद में हम कट करके इनको आपको दिखाएंगे। अभी हमारे पक चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेते हैं। और थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद में हम इन्हें कट करेंगे। हम अब इन्हें निकाल लेते हैं क्योंकि ये हमारे अच्छे से पक चुके हैं। इस तरीके से हम इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम अपने स्प्रिंग रोल जो बचे हुए हैं उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से। हमें स्प्रिंग रोल बहुत क्रिस्पी करने हैं और हमारे ये क्रिस्पी हो भी जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि मैंने इनको 5 मिनट रेस्ट पर भी छोड़ा था इसलिए। और इससे जो हमने घोल लगाया था उससे हमारी स्टफिंग बाहर भी नहीं निकलेगी और आराम से हमारी स्प्रिंग रोल फ्राई भी हो जाएंगे। आप पलट लेते हैं। कहीं से भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, इसे आप अच्छे से पका लीजिए। गैस का फ्लेम लो रखिएगा, कहीं आपकी स्प्रिंग रोल जल ना जाए। यहाँ आपको इन्हें कट करके दिखा देती हूँ, देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये।
बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं ये। इसी तरीके से आप अपने स्प्रिंग रोलों को कट कर लीजिए और इनका आनंद लीजिए। आप इन्हें इन ग्रीन चिली या रेड चिली के साथ में सर्व करिए और अपने स्प्रिंग रोलों को खाइए। मेरे स्प्रिंग रोल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।